हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर टू को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस एंड इलेक्ट्रॉन, जे जे थॉम्सन ने स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क किया और बहुत इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन किया। और वो कैलकुलेशन था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो को उन्होंने कैलकुलेट किया। तो उसको उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब उसने लिया। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में स्टूडेंट्स उन्होंने किया क्या, एक हाई वोल्टेज की बैटरी ली और ये स्टूडेंट्स ये एनोड है और ये आपका कैथोड है। ये इस कैथोड से और एनोड को, एनोड और कैथोड को उन्होंने एक हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद ये इस तरह का सेटअप बनाया कि जो आप देख रहे हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब है और एक ऐसा सेटअप है जिसमें इन्होंने कैथोड रेज को जनरेट किया। तो जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया यहाँ कैथोड से कैथोड रेस निकलनी शुरू हुई और ये कैथोड रेस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाते हुए उन्होंने इस साइड में, ये जो आप देख रहे हैं ये एक क्या है, स्क्रीन है, ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन है, यहाँ पे उन्होंने फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगा दिया। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया यहाँ से कैथोड रेज निकली, ये स्ट्रेट एक स्ट्रेट लाइन जा करके बिल्कुल पॉइंट पी वन पर स्ट्राइक की, यहाँ एक ग्लो प्रोड्यूस होने से ये पता चला जो कैथोड रेज है वो आज करके किस पे पी वन पर स्ट्राइक कर रही है। फिर उन्होंने क्या किया, यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके किया। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये एक पॉजिटिव प्लेट ये निगेटिव प्लेट, इसमें क्या किया उन्होंने ये पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट लगा के यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो रेज आ रही थी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये कैथोड रे डिफ्लेक्ट कर गई और डिफ्लेक्ट करने के बाद किस साइड में चली गई, पॉइंट पी टू पर चली गई। ये पॉइंट पी टू की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि जो कैथोड रेज है उस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज किधर डिफ्लेक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इसलिए जो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी कैथोड रेस वो डिफ्लेक्ट होकर के पी टू पॉइंट पर चला गया। फिर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उन्होंने क्या देखा, ये जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन है वो पी वन पॉइंट से पी थ्री की तरफ हो गया, ये पी थ्री पॉइंट की तरफ आ गया, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ इंड है मैग्नेट का, ये साउथ इंड है। तो निगेटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल की तरफ या नॉर्थ पॉइंट की तरफ। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो डिफ्लेक्शन हुआ वो पी टू पॉइंट की तरफ हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद डिफ्लेक्शन पी थ्री पॉइंट की तरफ हुआ। तो इस तरह से थॉम्सन ने फोर एक्सपेरिमेंट किए, एक तो बिल्कुल बिना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए कैथोड रेज प्रोड्यूस किया जो पी वन पॉइंट पर स्ट्राइक किया, दूसरा क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो डिफ्लेक्शन हुआ पी टू पॉइंट पर, तीसरा जो एक्सपेरिमेंट किया वो केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद किया और पी थ्री पॉइंट, और चौथा स्टूडेंट्स जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने दोनों को अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था उसको इस तरह से एडजस्ट किया कि जो डिफ्लेक्शन P2 और P3 की तरफ हो रहा था वो डिफ्लेक्शन समाप्त हो जाए और जो कैथोड रेज है जो पहले P1 पॉइंट पर जा रहा था ठीक उसी P1 पॉइंट पर आए, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट किया कि ये डिफ्लेक्शन जो था वो जीरो हो जाए, मींस ये प्रीवियस पॉइंट जो P1 पॉइंट पर है जो कैथोड रेज है P1 पॉइंट पर आ जाए। तो इन सब एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने E बाई एम, मीन्स
जो चार्ज टू मास रेशियो है इलेक्ट्रॉन का, उसको उन्होंने कैलकुलेट किया। तो जे.जे. थॉम्सन के अनुसार क्या था, अकॉर्डिंग टू जे.जे. थॉम्सन, जो अमाउंट ऑफ डेफिएशन है पार्टिकल का, जो अपने पाथ से जो अमाउंट ऑफ डेविएशन है पार्टिकल्स का या कैथोड रेज के पार्टिकल्स का, वो तीन बातों पे निर्भर करता है। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल, इसमें क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मीन्स चार्ज जितना ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना होगा पार्टिकल पर, जितना ज़्यादा चार्ज होगा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट था स्टूडेंट, मास ऑफ पार्टिकल। तो जो डिफ्लेक्शन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स पार्टिकल्स का मास जितना अधिक होगा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। और तीसरा पॉइंट जो था वो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हम जितना ज़्यादा लगाएंगे उसकी स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगी डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो ये तीन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जे.जे. थॉम्सन ने क्या किया, इन सारे पॉइंट को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया, मींस बाय अप्लाइंग ऑल अबव पॉइंट्स, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, एंड कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट, इन सारे पॉइंट्स को अप्लाई किया और बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट करके जे.जे. थॉम्सन ने क्या किया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई बाई एम ई। तो जो कैलकुलेशन आया वो ये था कि ई बाई एम ई जो निकाले, जो कैलकुलेट किया जे.जे. थॉम्सन ने, वो आया 1.758820 × 10⁻¹⁰ कूलाम पर किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ आपका जो ई है, वेयर ई क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन कूलाम, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एम ई क्या है स्टूडेंट्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम। ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, किलोग्राम में है। तो इस तरह से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन जे.जे. थॉम्सन ने किया, और उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो कितना होता है, वो उन्होंने ये दिया कि 1.758820 × 10⁻¹⁰ कूलाम किलोग्राम इनवर्स।